आप सब सोच रहे होगे कि मैं अपनी जुबान क्यों काट रहा हूँ। आप वीडियो देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। देसी है वालू खाते पर आप तो नहीं खाते हो? नहीं मैं तो नहीं खाता, लेकिन तुम ध्यान से खाना कि कपड़े ना गंदे हो जाए। क्या था ना, चल आजा आप मुंह धोते हैं। कैसे भाई यार, हमारे घर में 2 दिन से लाइट नहीं आ रही, तो यार कुछ मोबाइल चार्ज करने को मैंने। अरे पूरे महल्ले के उठा लाया गया। बस थोड़े से ही कर दे यार। हाँ जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच आके यार, तेरी वजह से मेरी काफी मुश्किल आसान होगी। अरे यार इसको भी अपने ही कह, समझो कोई मसला ही नहीं। तो नहीं यार, वो आंटी अंकल को भी साथ ही लिया था, वो बेचारे गर्मी में बैठे होंगे घर। यार कोई बात नहीं, बस दुआ करो यार लाइट आ जाए, पिछले 2 दिन से लाइट नहीं आ रही यार। यार क्या पता यार, यहाँ भी लाइट चली गई। न्यू काम वाली से CNIC की कॉपी ले ली थी क्या? नहीं बेटा अभी तक तो नहीं लिया, कल आएगी तो ले लूंगी। वो लाजमी ले लेना, आपको पता तो है आजकल हालात कैसे चल रहे हैं। अम्मी मैंने कहा था ना ले गई सारा कुछ। बोलो दीदी क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है इधर, सब कुछ खाली हो गया। अरे नहीं नहीं वो तो तुम्हारे अब्बा को दिए हैं, बैंक लॉकर में रखवाने गए हैं। ऐसे ही बोलते हैं मैं काली जुबान, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लुटे गए बर्बाद हो गए, मेरी सारी उम्र भर की कमाई ले गए, पलिए लोके सब कुछ लुटे आ गया। हाय हाय बताओ तो सही क्या हो गया? ओ मैं बैंक जा रहा सी, मेरे को सब कुछ खो लिया गन पॉइंट पे, नाल जेवरात भी ले गए। हाय शुक्र है आप तो बच गए ना, चीजें तो दोबारा भी बन जाएंगी। मैनू लगता है ओही बंदा सी जेड़ा काम वाली नु छड़न आंदा है, ओहो जे ओदा कद ओहो जी जिसामत ओदी, ए ओही बंदा मैनू लग रहा सी। सनी यार हाँ? मुझे लगता है मैं ना काली जुबान। काली जुबान? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता। तुझे याद है जिस दिन तुम मेरे घर आए थे हाँ? और वो लाइट चली गई थी? इस तरह ना मैं जो भी कहता हूँ वही हो जाता है, समझ नहीं आ रही यार, मैं तो बड़ा परेशान, कोई हल तो बता इसका। लाइव डेमो देखेगा? देख वो आ रहा है ना। और हैदर भाई क्या हाल चाल है? अरे आकिब भाई कैसे हो? मैं फिट हूँ यार जबरदस्त, आप ठीक हो? सनी कैसे? बड़ी लाजवाब शर्ट पहनी है यार, चमक रही हो भाई। भाई ब्रांड से ली है यार, चमके भी नहीं। जरा ध्यान से जाना रोड पे, बड़ी मिट्टी कटा है, यू नो नई शर्ट। यार कुछ नहीं होता यार, क्या हो गया? नाइस। क्या यार अभी जाके ये धोनी पड़ेगी। यार तू तो वाकई काली जुबान है यार, बड़ा परेशान हूँ यार कुछ कर। मैं एक बाबे को जानता हूँ, वो तेरा ये मसला हल कर सकता है। काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। चल चल चले। अच्छा तो काली जबान को सफेद कराना चाहते हो? जी बाबा जी। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। इलाज हो पाएगा बाबा इसका? इलाज तो हर चीज का होता है, बस जेब गरम होनी चाहिए। बाबा हर चीज गरम हो जाएगी, उसकी तुम टेंशन ना लो। इलाज बताओ, बताओ इलाज हमें। 50,000 लगेंगे, 50,000 है तुम्हारे पास? बाबा ये तो बहुत ज्यादा है। अभी तो सब गरम हो रहा था, अब क्या हुआ निकल गई हवा, बड़ा चौड़ा हो रहा था तुम्हारा दोस्तों। बाबा कोई स्टूडेंट पैकेज हो गई, ये तो इतने ज्यादा पैसे हम कैसे देंगे बाबा।
25,000 डन। ठीक है बाबा, डन करो। अच्छा तो सुनो फिर, 2 चम्मच पानी के अंदर चीनी मिक्स करके मेरी जादुई पेस्ट हल करके उसके साथ 3 दिन उल्टे चम्मच के साथ जुबान पे लगानी है। जुबान सफेद हो जाएगी। 2,000 years later। बाबा तूने अच्छा नहीं किया बाबा, तेरा नुस्खा मैंने 3 दिन तक इस्तेमाल किया और जुबान वही काली की काली। बेटा मेरी बात सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह का एक आम इंसान हूँ, मैं कि बाबा शाबानी हूँ, मैं बेरोजगार हूँ और ऊपर से इंजीनियर हूँ, क्या करूँ मैं? मेरी सुनो बात बेटा, हर इंसान अपनी जुबान के पीछे खुद छुपा होता है, तो इसीलिए बोलने से पहले अपने लफ्जों का इंतखाब अच्छे से किया करो और सोच समझ के बोला करो ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। आगे भाई मैंने आईफोन ले लिया। ओ मुबारक हो यार, अच्छे से यूज करना। आगे भाई मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। हाँ बेटा ध्यान से जाना, इंशाल्लाह मेहनत का फल जरूर मिलेगा।